जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है। लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेगा? शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको। किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं? स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है। एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। बारे भाई पुरुष समाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हमें खान सर मिले हैं, आप जानते होंगे उनके बारे में, बखूबी जानते होंगे। इनके पढ़ाने का अंदाज जो है वो लाजवाब है। हालांकि मैं कोई भी तैयारी नहीं करती हूँ तो भी मैं इनका वीडियो देखती हूँ। बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे, सर दिख गए तो हम लोग इनको पकड़ लिए हैं और अब इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लाजवाब वाला अंदाज़ है वो कहाँ से आया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग को भी नमस्कार, आप सब लोग को। आप तो इतने फेमस हैं, आपको तो बहुत से यूट्यूबर्स परेशान करते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो अच्छा ही है आप लोग की, आप लोग जागरूक रहते हैं लोग। खैर, इसमें फेमस होने की क्या बात है? जो भी इंसान जो लोगों को चाहिए, जो डिमांड है, जो भी देगा लोग उसे पसंद करेंगे लोग, तो यही हमारा भी कहना है। अच्छा, ये बताइए, आपका ये जो पढ़ाने का लाजवाब तरीका है, ऐसे टीचर लोग जो होते हैं बड़े सीरियस रहते हैं, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो कभी कभी बे भी आ जाता है बात में, अबे तबे भी आ जाता है, ये कैसे होता है? देखिए, हर चीज़ में इवोल्यूशन ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में बदलाव नहीं लाइएगा तो वो चीज़ एक पतन हो जाएगा। आप अगर आज से 30 साल पहले देखिए तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, टेलीफोन था। थोड़ा चेंजिंग आया कि नहीं आया? अब बात के साथ साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही पहले वो गुरुकुल का ज़माना था, द्रोणाचार्य थे, अब वो ज़माना चला गया। अब टीचर्स को एक स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, अब तब वो अपनी बातों को समझा पाएगा। बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं? जो आपकी भावनाओं को समझे, दिल की बात को समझे। तो टीचर क्या है कि वो सिलेबस समझ रहा है, पढ़ाई समझ रहा है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। आज स्टूडेंट के लिए दिन 24 घंटा का नहीं रहा, वो 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा गेम खेल रहा है मोबाइल में। तो उसको उसी तरह पढ़ाना है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं रहा है, उसको इस तरह से पढ़ाइए कि वो एक बार में ही क्लास में पढ़ ले। अब वो नहीं है कि एक बार क्लास में पढ़ेगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर रिविज़न करेगा, फिर एक बार एग्जाम टाइम के लिए पढ़ेगा। तो उसके लिए उसको एट ए टाइम समझाने के लिए उसको उसकी भाषा में पढ़ाना जरूरी है। तो इसमें तो मेहनत बहुत लगती होगी। पहले एक बार आप डिसाइड करते होंगे इस टॉपिक को पढ़ाना है, फिर उसको कैसे नॉर्मल भाषा में समझाना है, इन चीज़ों में तो मेहनत बहुत लग जाती होगी। हाँ, थोड़ा मेहनत लगता है। तो देखिए, आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के हैं ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया आ चुका है, अब हर चीज़ उनको डिजिटली दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखता है, तो उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनको भी लगता है नहीं हम भी कर सकते हैं। तो टीचर्स की मेहनत जरूरी होता चाहिए करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा टीचर्स का होना चाहिए, टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, और खुद स्टूडेंट्स का। अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता। अच्छा, आपका एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आप साइंस समझा रहे थे औरतों के बाल सुखाने से लेके, कि औरतों को तो साइंस का ज्ञान ही नहीं होता है लेकिन तभी वो अपना बाल सुखाती हैं और इसके पीछे ये वाला साइंस काम करता है। बहुत इतना अच्छा एग्जांपल कहाँ से? हमको बड़ा खुशी हुआ कि आप मीडिया से जुड़े हुए, आप एक सजग पत्रकार हैं। हम भी आपका कई बार आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग देखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। हमको ये खुशी हुई कि आप एक पढ़ाई का भी टॉपिक आप लोग इतना देखते हैं। हमारा ये कहना है कि दुनिया में हर जगह साइंस है, लड़का हर जगह को देख रहा है, तो आप उस चीज़ को बताइए ना, जैसे कहाँ क्या चीज़ है,
जैसे आपने महिला का एग्जांपल लिया तो हमने बताया था कि वहाँ पे लिपस्टिक या काजल क्यों चिपक जाता है, तो वहाँ हम कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ससंजक और असंजक बल बताएं, तो ये लड़के को अच्छे से समझ में आएगा, हर लड़के को पता है काजल लिपस्टिक। अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे किताब का, तो फिर उसके लिए पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। हम जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा, और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। तो ऐसे टीचर और कहाँ से ढूंढे? बिहार में हम गए थे चुनावी कवरेज करने, वहाँ पर हमने कई कॉलेज को दिखाया जहाँ की व्यवस्था को देख के तो शर्म आती है कि मतलब कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो एक तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था पे फंड बहुत कम आता है, दूसरा ये टीचरों की भी उदासीनता ही देखने को मिलती है, मैडम लोग स्वेटर बिनेंगी, फ़ोन चलाएंगी, टीचर लोग कुछ और करेंगे, हाँ, तो कैसे ढूंढेंगे आप इतने जागरूक टीचर? देखिए इसमें तो हम कहेंगे थोड़े टीचर्स की भी अपना एक नैतिक गुण बनता है, इसका मतलब जैसे हम सरकारी टीचर्स को अब बुरा ना मानेंगे लोग, टीचर्स लोग सरकारी टीचर हैं, तो एक अजीब सा फीलिंग आता है कि भाई हमको क्या है, आएंगे चौक लेके पढ़ा के चले, ऐसा नहीं है। टीचर्स का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है, जिस दिन लड़के को अंदर उसको इस तरह से पढ़ाना, पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको एक घंटे का क्लास कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बस अरे टीचर्स उस माहौल में देखा हो। देखिए पढ़ाई के दो चीज़ें होती हैं, एक टीचर जो होता है ना वो तो पढ़ लिया उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना वो तो अभी शुरुआत कर रहा तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना ये दो चीज़ों में समन्वय बनाना, जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना, उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करें कि थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो टीचर स्टूडेंट दोनों की ओर से होना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है, लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना वो सवाल पूछेगा, और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के, वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वैसे भी डेमोक्रेसी में तो सवाल पूछने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। सवाल पूछने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 19 देता है, जिसे हमारे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। नहीं मैं इसलिए इसको संविधान बीच में लाई हूँ क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ मौलिक चीज़ें भी बताते हैं, आपके कई वीडियो हैं जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब चीज़ों को भी लेके बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो मतलब हमारा जो जनरेशन है, मतलब पुरानी पीढ़ी को छोड़ दिए यूथ जो है हमारा, वो समझ रहा है अपने अधिकार कि वो भी नहीं समझ पा रहा है? नहीं यूथ तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन देखिए किसी भी चीज़ का ना एक डायरेक्शन होना चाहिए। आजकल क्या है ना कि लड़कों के दिमाग में एक बैठ गया है कि हम इंजीनियरिंग के हैं तो हम केवल इंजीनियरिंग ही चीज़ को जानेंगे, ऐसा नहीं कि हम दूसरा जाने। अरे भाई कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ पॉलिटिकल्स राइट हैं आपके, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के तो आप उसे नहीं देखेंगे। हमको खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में कमेंट करते हैं, इवन बताते हैं कि सर हमको हमारी उम्र 50 साल हो गई है, हमको पढ़ाई से मतलब नहीं है, फिर भी हम आपका ये चीज़ों को देखते हैं अपने अधिकार को जानने के लिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है, और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पर लोग आपको दबा देंगे आपको, इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। आप एनर्जी जो दिमाग जो होता है ना वो बहुत ब्रास्ट होता है, बस अर्थे आप उसको कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव रहेंगे कि नहीं हमें इतना ही पढ़ना है तो गलत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को भी लाया गया है कि अब लड़कों को ब्रॉड थिंकिंग देनी है वहाँ पर, इसी सब के लिए। तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अचानक नहीं होगा इसको, लेकिन हाँ चेंजिंग तो आ रही है। आजकल के युवा में देखेंगे तो कुछ जागरूकता बहुत बढ़ी है पहले की तुलना में, लेकिन FIR वगैरह से अभी भी बहुत से लोग डरते हैं, जैसे अगर कुछ भी हो गया, जैसे डर है कि गाड़ी जो है वो पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बेवजह चालान काट देंगे, चाबी छीन लेते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, चाबी नहीं ले सकते लेकिन वो ले लेते हैं, तो इन सब पे क्या कहेंगे? मतलब अगर मैं जागरूक हूँ तो वो मेरी चाबी नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे पता ही नहीं है तो वो मेरी चाबी लेके चले जाएंगे, तो क्या कहते हैं कि जागरूकता अभी उतनी हो चुकी है जितनी चाहिए समाज में, कि अभी जागरूकता की थोड़ी कमी है, अभी और लोगों को समझना चाहिए अपने मौलिक अधिकार कर्तव्य? देखिए आपका क्वेश्चन एकदम सही है। देखिए किसी भी चीज़ के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एक गाड़ी को देखें तो उसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत है, इंजन की भी ज़रूरत है, चक्के की भी ज़रूरत है। किसी एक को ठीक करके दो को गलत करिएगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो यहाँ तीन चीज़ की गलती है। एक, पुलिस वालों में अपनी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपको ट्रेनिंग दिया गया कि आपको चाहिए चाबी छीनने का अधिकार नहीं, आप किसी को मोरल टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी
कोई, आप बताइए कि किसी की माँ बैठी है और उसके सामने आप उसके बच्चे को तमाचा मार दीजिएगा, तो आप उसको प्रेरित कर रहे हैं कि उल्टे आपको मारे, यानी आप उसे इनडायरेक्टली क्राइम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहला तो ये पुलिस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा नंबर पर एक पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस वक्त किसी को समझ में आ जाता है कि आगे वाला अपना अधिकार नहीं जान सकता तो फिर वो आपको मिसयूज करने लगे। और तीसरा न्यायपालिका की भी गलती है, मान लीजिए हम ही से किसी ने चाबी छीन लिया, हमें पूरा अधिकार पता है, पुलिस वाला ने नैतिकता नहीं किया, फिर हमें उसे दंड दिलाने के लिए 5 साल न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कौन जाएगा न्यायालय में? आजकल किसी के पास वक्त है? न्यायालय जाएगा 5 साल बर्बाद करेगा, मिलेगा क्या कि पुलिस वाला हलफनामा पे लिख के माफ़ी मांगे? इससे ज़्यादा क्या होगा उसको? कुछ नहीं होगा। तो तीनों चीज़ को सुधारना पड़ेगा। इसमें सबसे जल्दी अगर कुछ सुधारा जा सकता है, न्यायपालिका तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा सुधारने में, न्यायपालिका में बोझ भी, इसमें सबसे जल्दी अगर सुधारा जा सकता है तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी। पुलिस, आप हमारे दुश्मन नहीं, हमारे हेल्प के लिए, और लोगों की भी जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप हेलमेट पहनिए, ये उसको सिखाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम हेलमेट पहने हमारी सेफ्टी के लिए। तो सबका है, आप किसी एक नहीं, आपकी नहीं। बात तो सही है, लेकिन जब पुलिस वाले दूसरे का हेलमेट नहीं पहनने पे चलान काटते हैं और खुद ही ट्रिबलिंग करके बिना हेलमेट के जाते हैं तो बुरा तो लगता है, बुरा लगता है। ये सिखा रहे हैं, आप खुद ही नहीं काम कर रहे। ये बात तो सही, ये तो नैतिकता पुलिस में लानी पड़ेगी, वरना आप देखिएगा अगर अमेरिका से हम अपनी कहते हैं कि हम कब अमेरिका या ब्रिटेन बराबर होंगे, तो आप वहाँ देखिए व्यवस्था में, वहाँ पुलिस फ्रेंडली रहती है आपके लिए, तो ये चीज़ें आनी पड़ेगी वहाँ पे। पुलिस में भी थोड़ा सा ये चीज़ें है, नैतिकता का अभी भी उतनी उतना पर्याप्त नैतिकता नहीं है। आप मीडिया में थे, फिर टीचर बन गए, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब आप चेंज कैसे कर लिए? अभी मैं जितना मुझे पता चला है कि आप आज तक या फिर ऐसे किसी मीडिया से जुड़े हुए थे? देखिए हम हाँ जैसे हमें एनालिसिस करने के लिए न्यूज़ चैनलों पे दे दिए जाते थे, जैसे मान लीजिए कोई राफेल जहाज आया या कोई ये चीज़ें आ गई, तो उस पर मीडिया में हमसे जैसे बिहार तक हो गया, न्यूज़ तक, ये लोग दे देते हैं कि सर इसका एक एनालिसिस करके हमको दे दीजिए, हम वो दे देते हैं उन्हें एनालिसिस करके, थोड़ा सा उन लोग को सहूलियत हो जाती है। यही बेसिकली, तो हम लोग एक टीचर ही हैं, और टीचर क्या एक स्टूडेंट्स का फ्रेंड कहिए, यहाँ उनको उनकी भाषा में समझना है। अब बहुत हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं आपको अर्बन एरिया में रहना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे, और बेहतरीन वो समझता भी है इस चीज़ को। तो मैं ये पूछ रहा था, कितने साल आप ऐसे मीडिया एज ए जर्नलिस्ट काम किए हैं? जर्नलिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? हम जर्नलिस्ट तो हम नहीं कहेंगे, हम एक तरह से कहिए कि जो नॉलेज था उसको आके मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दे दिए, क्योंकि मीडिया कितना साल किया आपने ये काम? ज़्यादा दिन तक हमने नहीं किया, अभी जैसे 3-4 महीने तक किए हैं वहाँ पे। अभी भी बहुत सारे न्यूज वाले आते हैं, लोग कहते हैं कि सर ये चीज़ दे दीजिए, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत, नॉलेज बांटने से बढ़ते रहता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, आगे आप अपनी लाइफ कैसे देखते हैं, क्या प्लान है? मेरे लाइफ का एक ही प्लान है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स ये इस देश को बदल सकते हैं। आज़ादी से पहले अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो देश को बदला था वकीलों ने मिलकर। आप चाहे वो महात्मा गांधी को उठाइए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या भीमराव अंबेडकर साहब, सरदार पटेल, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने वकील थे वो उस वक्त में। लेकिन अभी की जो दौड़ है वो युवाओं के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में। अब युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा है। आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो थी, एनटीपीसी का रिजल्ट जो थी वो रोकी हुई थी, मतलब उसका जो फॉर्म नहीं निकालने दे रही थी, उसका डेट कब होगा कोई क्लियरेंस नहीं कर रही थी। 5 दिन तक स्टूडेंट्स ने डिजिटल स्ट्राइक किया, 5 दिन तक स्टूडेंट्स ने मारा, ट्विटर पर कैंपेन चला दिया, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट को आना पड़ा, तुरंत एसएससी का कैलेंडर जारी करना पड़ा, दिसंबर में कहना पड़ा कि रेलवे का एग्जाम ले। तो स्टूडेंट्स की आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे, और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है, अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता, आगे वाले देश का भविष्य वही है। और हमारे कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। आप इतना भरोसा कर रहे हैं स्टूडेंट पे, लेकिन स्टूडेंट जो हैं, आपको लगता है कि वो सच में अभी भी पढ़ाई को लेके और समाज बदलने को लेके, इन चीज़ों को लेके सीरियस हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कॉलेज में हम जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, और बिहार की हालत तो और भी दयनीय है, एडमिशन कराते हैं और बाद में पेपर टाइम में नज़र आते हैं, क्लास तो अटेंड करते नहीं, बच्चे कहते हैं प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे, प्रोफेसर कहते हैं बच्चे नहीं आ रहे, तो ये है कि नहीं है? देखिए, इसमें आप केवल स्टूडेंट्स को दोष नहीं दे सकते। अगर कोई स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो आपको क्या लगता है उसको कितना नॉलेज मिलेगा? वो 1 घंटा बैठेगा तो 1 घंटा में कितना नॉलेज गेन कर पाएगा? तो वहाँ एक कॉलेज के मैनेजमेंट की भी गलती है, और स्टूडेंट्स में भी है कि भाई देखिए, आप कॉलेज नहीं जाइएगा तो फिर स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है, वहाँ उनको भी समझना पड़ेगा, और गार्जियन के भी अंदर भी एक नैतिकता आनी चाहिए। और स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, उनके अंदर इच्छा है कि हमें कुछ करना है, उनके अंदर शौक है कि हमें नौकरी पाना है, पढ़ाई करना है, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है, और ये डर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए ना डर,
ज़रूरत और इंसानियत ये बना रहना ज़रूरी है। तो टीचर के अंदर इंसानियत होना चाहिए कि भैया हमें लड़कों को पढ़ाना है, लड़के के अंदर ज़रूरत है कि अगर हम पढ़ाई नहीं लिखे पढ़े लिखेंगे नहीं आगे नहीं जाएंगे तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और डर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके जॉब की या किसी चीज़ का, डर तो होना ज़रूरी है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो समाज में हमको एकदम पीछे कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट के अंदर ना अभी डर नहीं रह रहा है, कह अरे क्या दिक्कत है अगली बार फिर भर देंगे फॉर्म, फिर कर देंगे, ये कर देंगे। और गार्जियन भी नहीं पूछता है उससे कि इस साल रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लड़का एग्ज़ाम देने जाता है ना तो उसको पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और ये रियलिटी है। अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो समझ जाइए कि आपकी संभावना कम है रिजल्ट होने की, क्योंकि जिनका रिजल्ट होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में समझ जाते हैं। और जब लड़का फेल होता है ना तो एक बहाना खोजने लगता है, ये प्रॉब्लम था, तब ये ठीक नहीं थी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, जबकि ऐसा चीज़ नहीं है, आप शुरुआत से ही गलती करने आ रहे हैं। तो ये लड़कों की भी भावना है, उनको भी अपने चेंज करना चाहिए इस सोच को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि संसाधनों की कमी एक कारण बनता है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं? ये संसाधनों की कमी एक ताकत है, उनको और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है इन सब चीज़ों से? देखिए, गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं, वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं, हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम गरीब हैं कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी नहीं, बाधा। गरीब बच्चों का कहना ये होता है कि हमें वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, हम महंगी किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, हम अच्छी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम अच्छे प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, हमें एक अच्छा कोचिंग मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब भी खरीदने का पैसा नहीं है, फिर उनके पास तो एक रीज़न बन जाता है कि किताब ही नहीं है तो पढ़ें क्या। जी, आपका कहना एकदम सही है, और ये आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये बहुत एकदम ये जवाब स्टूडेंट्स जो गरीब थे उनका कहना लाजमी भी था। लेकिन अब तो डिजिटली आ गया है ना, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा किसका हो गया, इंडिया का हो गया। अब आपको कौन सी क्लासेज हैं जो आपको अवेलेबल नहीं मिल रही, एकदम सस्ते से सस्ते फीस में अवेलेबल मिल रही है, अब आप उसका यूज़ नहीं कीजिएगा। आप 2 घंटे अगर आप व्हाट्सअप और फेसबुक चलाइएगा तो आप कैसे सोचिएगा कि आप गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, सब A to Z। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें बुक्स नहीं मिल रही है। आप न्यूज़पेपर देखिए, नहीं खरीद सकते हैं, डिजिटली आते हैं सब, हर न्यूज़पेपर हर मैगजीन डिजिटली अब अवेलेबल है। अब आप अपने आप को बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अब हमें ये नहीं चीज़ नहीं मिला। तो ये तो बहुत बढ़िया है जो डिजिटल क्रांति आई है, अब हर चीज़ अवेलेबल है। आपके पास इतना अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से आता है? जैसे किसी भी चीज़ को आप समझाने के लिए एकदम हमारे और आपके बीच का एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि वो बाल वाला मैंने आपको बताया, बाल सुखाने वाला, वो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे औरतें इस्तेमाल ही करती हैं और अगल बगल के परिवार के लोग देखते हैं, ये इतना सटीक एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढते हैं आप? देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं तो फिर उस मरीज को बोला कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। तो आपको क्या लगता है कि समाज जो है वो अब सुधर रहा है शिक्षा को लेके? आगे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक बेहतर समाज में जाएंगे जहाँ पे लोग कम से कम अपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का गौरव महसूस करेंगे? क्योंकि अभी तो नहीं लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं कभी भी, सिस्टम लड़कियों के लिए और ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर देखिए, अगर लड़कियाँ किसी चीज़ के खिलाफ लिख रही हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर लड़कियाँ लिख देती हैं ना तो फिर तुरंत उनकी जाति को लेकर टारगेट किया जाता है, उनके लिंग को लेकर टारगेट किया जाता है। तो ये क्या लगता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बोलने का अधिकार तो मिलना चाहिए, मिल रहा है आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि मिल नहीं रहा है।
मिल तो रहा है, लेकिन देखिए अगर हम लोग भारत को अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही मानते हैं, लेकिन ये एकदम नया लोकतंत्र है। हमें अंग्रेजों ने 1947 में अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे, तो उस वक्त से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसमें दो चीज़ें की ज़रूरत है, जो लोग अपने आप को पुरुषवादी समाज समझते हैं कि सब कुछ पुरुष ही कर सकता है, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तू 1947 से लेकर 2020 तक क्या कर रहे हो, क्यों नहीं देश आगे गया? क्योंकि देश ने महिलाओं को बराबरी का मौका ही नहीं दिया, और जिस दिन ये महिलाएं आ जाएंगी ना उस दिन देश आगे चला जाएगा। और अगर ये हम लोग ये सोचते रहेंगे महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आप 1947 से लेकर 2020 आ गया क्या कर लिए आप? एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमज़ोर होती है, बारे भाई पुरुष समाज यहाँ पर, तो ये गलत है। बराबरी जिस दिन आज देखिए अमेरिका में जो भी देश आगे हैं, किसी हम पर्टिकुलर जो आगे हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आप उसे दरकिनार करते हैं तो कभी आप एक उज्ज्वल समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। और ये सोच कैसे आएगी एक पढ़ा लिखा इंसान से? तो जब तक शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, रामबाण आप कह सकते हैं इसे, इससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसके 8-10 बच्चे होंगे, रेयर ही ऐसा होगा कभी आप। लेकिन अगर देखेंगे जिनके 8-10 बच्चे हैं, जो जनसंख्या भी तो एक देश का बहुत बड़ा समस्या है, तो इसका मूल जड़ क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षा ही तो, शिक्षा से हर चीज़ को दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा पे सरकार बेहतर काम कर रही है? देखिए सरकार का सिस्टम इतना बड़ा है ना कि सरकार अगर ऊपर से शिक्षा के लिए देती है, तो एक और हम कहेंगे सरकार से भी कि भाई आप शिक्षा में जिन डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो वहाँ पर जो लेवल जो लोग बैठे हैं इसको सुधारने के लिए, पहले ये तो जज कीजिए कि वो लोग ठीक हैं कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा ये मायने रखता है। अब ऊपर सिस्टम में ही मानवता नहीं है, अब आपकी नैतिकता नहीं है, तो नीचे कहाँ से सुधार हो सकता है? आपने तो सरकारी स्कूल के बच्चों को बोरा पर बैठा के पढ़ा देते हैं, उनमें पहले ही उनकी मानसिकता गिर गई कि हम बोरा पर बैठे हैं और कोई बेंच पर बैठा है। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप उसके साथ एक मानसिक रूप से उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आपको अब हम ही को कोई बोरा पे बैठा के पढ़ाएगा, अजीब सा लगेगा आप। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सुधार है, उसके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा। नहीं, आपकी कोचिंग में बहुत से बच्चे आते होंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से गांव के बच्चे भी आते होंगे और शहरों के बच्चे भी आते होंगे, तो आप जब उनको पढ़ाते हैं तो आपको दिखता है अंतर? दिखता है जो गांव के बच्चे हैं वो अंदर से अपने आप को सोचते हैं कि अरे मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे को तो इतना ज्ञान ही नहीं, वो तो CBSE बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, बड़े से कॉलेज में पढ़ा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाए हैं, तो क्या ये सोच बच्चों के अंदर बैठ चुकी है? देखिए हमारे कोचिंग में तो इतने लड़के रहते हैं सबके, हमें ज़मीन पे बैठाना पड़ता है मजबूरी में, तो हमने जो यहाँ बोला ना, तो हमारे यहाँ लड़के मजबूरी में बैठते हैं और शौक से बैठते हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात कहें ना कि CBSE बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है, उसके पास पसीना होता है ना तो AC नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर, उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत है, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके, अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गांव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गांव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, UP का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। ये सबसे क्रांति आई, हाँ ये सबसे बड़ी क्रांति, और ये क्रांति बहुत बहुत बड़ी साबित होगी आने वाले 10 से 15 सालों में। अच्छा, तो जब से ये डिजिटल इंडिया हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि पिछड़े तबके के बच्चे जो है वो अच्छे अच्छे एग्जाम पास कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? इसमें चेंजिंग आई है, लेकिन अचानक चेंजिंग कैसे देखने को मिल जाता है? समाज देश इतना बड़ा है, आप 135 करोड़ आबादी में आपको चेंजिंग देखने में बड़ा समय लग जाएगा इसमें, लेकिन हाँ चेंजिंग आई है, लेकिन इसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा। अब आप देखिए कुछ लोग फेसबुक पे उल्टे सीधे पोस्ट कर देते हैं, समाज में सौहार्द बिगाड़ते हैं, तो ये लोग तो उसका डिजिटल क्रांति के लिए तो आप समझिए तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए, तो ये उन लोग के लिए ऐसा नहीं है। बट स्टूडेंट्स अभी भी जागरूक है, लेकिन वो बहक जाता है पढ़ने के लिए, YouTube Facebook में गायब हो जाता है। ये उनको अपने आप पे थोड़ा सा एक कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाबुक लगाना पड़ेगा, हाँ, हाँ। तभी आगे जाएंगे जी। तो देखिए खान सर से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, आप क्या सोच रहे थे, मैंने कौन सा सवाल मिस कर दिया? तैयारी थी नहीं क्योंकि हम लोग बिहार इलेक्शन कवर करके आ रहे हैं, तो अगर मेरे से कोई सवाल मिस हो गया है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि सर दोबारा मिलेंगे नहीं तो जवाब तो मैं पूछ के ही बता पाऊंगी आपको।
आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय, धन्यवाद।